नमस्कार, मैं हूं संदीप अखिल। आज है शरद पूर्णिमा, मतलब शरद ऋतु का आगमन। इसीलिए साहित्यकारों ने, कवियों ने शरद पूर्णिमा की बड़ी सुंदर व्याख्या की है। शरद ऋतु बहुत अच्छा लगता है, चारों तरफ जो है वातावरण बड़ा खुशनुमा हो जाता है, प्रेम के गीत गाए जाते हैं। इसीलिए प्रभु श्री कृष्ण ने निधि वन में आज के दिन रासलीला की थी। ये भी मान्यता है कि भगवती माता महालक्ष्मी का जन्म भी इसी दिन हुआ था। बहुत सारी बातें हैं, तो आइए शरद पूर्णिमा पर काव्य की अमृत धारा प्रवाहित करें। आइए सुनते हैं शरद पूर्णिमा पर अज्ञेय जी की ये रचना। शरद चांदनी बरसी अंजुरी भर के पीलो, ओंग रहे हैं तारे सिहरी सरसी, ओ प्रिय कुमुद ताकतें अंजिप क्षण में तुम भी जी लो। शरद चांदनी बरसी अंजुरी भर के पीलो। आइए शरद पूर्णिमा पर सुनते हैं सुधांशु फिरदौस जी की ये रचना। खिली है शरद की स्वर्ण सी धूप, कभी तीखी कभी मीठी, आर्द्रताहीन शुष्क भीतरगामी धूप, जिसे लग जाए ये धूप उसके माथे में कार्तिक अघन तक उड़ता रहता है टंकार, जो बज गए उनके मन को शिशिर हेमंत तक उमंग से भरती, नवरात की हुमा से सुवासित करती रहती ये धूप। खिली है शरद की स्वर्ण सी धूप, खिली है शरद की स्वर्ण सी धूप। आइए सुनते हैं शंभुनाथ जी की ये रचना। पूनम की चांदनी आज खिलेगी, बरसेंगे अमृत मोती, रोग दोष छू मंतर होंगे, खिलेंगे जैसे ज्योति, 16 कला समाहित होंगे, टिमटिम करेंगे तारे जिस पर चंदा करेंगे कृपा, जन होंगे बड़े निराले, महक उठेगी नब मंडल तक जब लहराएगी चोटी, रोग दोष छू मंतर होंगे, खिलेंगे जैसे ज्योति, खिलेंगे जैसे ज्योति। नज़ीर अकबराबादी कहते हैं, वह गुलबदन की हुस्न का जिसके मचा हो शोर, वह गुलबदन की हुस्न का जिसका मचा है शोर, करती हो बैठी नाज से 100 चांदनी पर जोर, छल्ले भी उंगलियों में छलकते हों पोर पोर, हम भी हों पास शोक के जो चांद और चकोर, वह गुलबदन की हुस्न का जिसके मचा हो शोर। मुझे विश्वास है कि आज काव्य की जो अमृत धारा प्रभावित हुई है वो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप अपनी राय, अपनी भावनाएं हमसे व्यक्त कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।